हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है एचवी रूम। और एचवी रूम में क्या होता है, हाई वोल्टेज रूम और हाई टेंशन रूम भी बोलते हैं। और जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, ये हाई वोल्टेज पैनल है। इस पैनल को 220 केवी लाइन आ रही है और उसको प्रोटेक्शन दी जा रही है इस पैनल्स के थ्रू। इसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है और बहुत सी प्रोटेक्शन डिवाइसेस लगी हुई हैं जो कि प्रोटेक्शन देती है आपकी प्राइमरी को। देन आपका जो ट्रांसफार्मर होता है उसकी प्राइमरी को फीड करते हैं यहाँ से, और आपकी जो ट्रांसफार्मर की कंट्रोलिंग सब यहाँ से होती है। सेफ्टी डिवाइसेस लगी हैं, ओवर करंट प्रोटेक्शन और इस तरह की बहुत सारी डिवाइसेस हैं। मैं आपको लेके जाऊंगा उनकी तरफ। और इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी सारे कंपार्टमेंट हैं। इसमें दो मेन डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी की तरफ से फीडर आ रहे हैं जो कि मोस्ट राइट एंड मोस्ट लेफ्ट साइड पे है। और बीच में तीन ट्रांसफार्मर को फीड करने के लिए डिफरेंट पैनल हैं। एक आपका बस कपलर है और एक आपका बस राइजर है। और आपको इनकी तरफ मैं लेके जाऊंगा, वन बाय वन सब बताऊंगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं इस रूम के बारे में बताऊंगा, इस रूम में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। और आपको ये भी बताता चलूँ, ये जितने भी पैनल होते हैं एचवी पैनल, इनकी प्रोटेक्शन डिवाइसेस जो होती हैं वो डीसी वोल्ट ऑपरेटेड होती हैं, क्योंकि इन केस ऑफ एसी फेलियर हमारा सिस्टम बिल्कुल डेड हो जाएगा। तो हमें रीज़न का पता नहीं चलेगा कि क्या रीज़न थी, कैसे ट्रिप हो गया सब। इसके लिए हम लोग जो क्या करते हैं, जितने भी सब स्टेशन होते हैं उन सब स्टेशन की जो प्रोटेक्शन डिवाइसेस होती हैं उनको हम डीसी वोल्टेज से ऑपरेट करते हैं, कि इन केस ऑफ हमारी एसी पावर सप्लाई भी हो जाए तो बैटरी बैकअप के थ्रू हमारी रिलेज वगैरह एनर्जाइज रहेंगी और हमारी कम्युनिकेशन इन सब स्टेशन पर लगे पैनल्स के साथ होती रहेगी। हम वजह जान सकेंगे कि क्यों हमारा पैनल ट्रिप हुआ और इसकी क्या रीज़न थी। और आपको मैं उस बैटरी सिस्टम की तरफ लेके जाता हूँ, आपको बैटरीज दिखाता हूँ। डेफिनेटली इधर बैटरीज हैं तो उसके लिए चार्जिंग सिस्टम भी होगा, आपको बैटरीज की तरफ लेके जाता हूँ मैं। हाय व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास 44 सेल्स हैं। एक सेल 2 वोल्टेज का है, 2 वोल्टेज ईच सेल, और 44 सेल्स हैं हमारे पास। ये सब सीरीज़ में कनेक्ट हैं, सीरीज़ में कनेक्ट हैं और इनके वोल्टेज ऐड हो जाते हैं। आप सीरीज़ में कैसे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसी तरह ये सब बैटरीज को आपस में पॉजिटिव टू नेगेटिव कनेक्ट किया है। और ये हमारे सब सेल्स जो हैं सीरीज़ में कनेक्ट हो गए हैं और हमें इन द एंड 48 डीसी वोल्टेज मिलते हैं इन बैटरी के थ्रू। और ये बैटरी को चार्ज करने के लिए हमारे पास चार्जिंग स्टेशन भी है, आपको मैं चार्जिंग स्टेशन की तरफ लेके जाता हूँ। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारे पास चार्जिंग स्टेशन है, बैटरी चार्जिंग स्टेशन, जो कि 48 वोल्टेज बैटरीज के जो बैंक है, बैटरीज बैंक है, उसको चार्ज करने के लिए है। इसमें दो चार्जर हैं जो कि एक फेलियर होने की सूरत में दूसरा चार्जर जो आपका है वो बैटरीज को चार्ज करेगा, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। इसको हार्ट ऑफ द सब स्टेशन कहा जाता है, कि अगर आपका बैटरी सिस्टम फेलियर हो जाएगा आपकी सब रिलेज ऑफ हो जाएंगी, और इन केस ऑफ समथिंग फेलियर यू विल नॉट गेट टू नो। सो बैटरीज के लिए बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, इसीलिए उधर दो टाइप्स के चार्जर लगे हुए हैं। अगर एक आपका फेल भी हो जाता है तो दूसरा आपका एक्टिव रहेगा। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके ऊपर वाली साइड पे 48 वोल्ट बैटरी चार्जर 1 है, जबकि नीचे 40 वोल्ट बैटरी चार्जर 2 है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट मीटर्स भी लगे हुए हैं, एनालॉग मीटर्स। सबसे पहले आपका एसी इनपुट वोल्टेज है, उसके बारे में आपको बता रहा है। ये सिंगल फेज बैटरी चार्जर है, इसीलिए आपके पास सिंगल फेज मीटर लगा हुआ है, वोल्ट मीटर। देन एसी इनपुट करंट, जो कि आपको वाइल बैटरी चार्ज करने के दौरान जो आपका करंट लेगी ये चार्जर सिस्टम, वो शो करेगा। जबकि थर्ड आप देख सकते हैं चार्जर वोल्टेज, जो आपके वोल्टेज हैं चार्जर के वो कितने हैं, मोर देन 60, अराउंड 63-62। क्यों ज़्यादा हैं, जबकि हमारी बैटरी के वोल्टेज तो 48 हैं, ये क्यों इतने ज़्यादा हैं? तो हम कभी भी बैटरी को जब चार्ज करते हैं तो 25% वोल्टेज
ज़्यादा से चार्ज करते हैं ताकि हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बरकरार रहे और हमारी पैनल से यानी कि चार्जर से बैटरी की तरफ करंट फ्लो करे, ना कि बैटरी से चार्जर की तरफ करंट फ्लो करे। सो इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने के लिए हम 25% एक्स्ट्रा वोल्टेज ऐड करते हैं हमारे चार्जिंग सिस्टम में ताकि हमारी बैटरीज चार्ज हो जाए। जैसा कि आप लास्ट मीटर देख सकते हैं, अम्पेयर मीटर, ये चार्जिंग करते हुए कितने अम्पेयर हमारा चार्जर लेता है ये उसके लिए है। और राइट साइड पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसमें हमारे पास किसी किस्म का भी फॉल्ट आएगा तो इंडिकेशन शो हो जाएगी, जैसा कि मेन पावर ऑन है या ऑफ है, फ्लड, बूस्ट, हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, मेन पावर फेलियर है या किसी किस्म का दूसरा अलार्म है, तो हमारे पास ये इंडिकेशन आ जाएगी। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास ये दूसरा चार्जर है, दूसरा चार्जर भी ऑलमोस्ट सेम है, सब फीचर सेम है। इन केस एक आपका फेल हो जाएगा तो आपका दूसरा ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा और आपकी बैटरी बैंक को जो चार्जिंग प्रोवाइड करेगा। और जैसा कि अभी आप देख सकते हैं इसमें, तो आपका ऊपर वाला जो है अभी ऑन है, उसकी मेन ऑन है और इंडिकेशन ऑन है, फ्लड पे है, जबकि नीचे वाला ऑफ है, उस पर कोई भी इंडिकेशन नहीं है। जब ये ऊपर वाला फेलियर होगा तो चेंज ओवर रिले के थ्रू ऑटोमेटिकली ये नीचे चार्जिंग स्टेशन 2 पे कन्वर्ट हो जाएगा। और इससे नीचे भी आप देख सकते हैं ये आपका 48 वोल्टेज डीसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा हुआ है। जैसा कि आप मोस्ट लेफ्ट पे देख सकते हैं डीसी लोड वोल्टेज, हमारी बैटरीज के जो वोल्टेज हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, डीसी लोड करंट जो करंट है हमारी बैटरी से फ्लो हो रहा है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं, और लोड करंट जो हमारे पास लोड है उसका यहाँ पे शो हो रहा है कितना लोड है। सो ऑलमोस्ट ये 1 एम्पेयर और लेस देन 1 एम्पेयर के करीब है। ये हमारा बैटरी चार्जर है जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल है हमारे सब स्टेशन में, इसके बगैर हमारा सब स्टेशन बिल्कुल बेकार है। हमारी प्रोटेक्शन और जितने भी प्रोटेक्शन डिवाइसेस हैं वो फेलियर हो जाएंगी। अब आपको मैं HV पैनल की तरफ लेके जाता हूँ, ईच पैनल के बारे में आपको डिस्क्राइब करता हूँ। जी व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास टॉप पे एक एम मीटर है जो कि हमारे एम्पेयर्स जो हैं मेन इनकमर जो 22 kV लाइन आ रही है उसके एम्पेयर्स शो करेगा। उसके बाद आप नीचे सिलेक्टर स्विच भी देख सकते हैं, हम डिफरेंट फेज जो हैं रेड येलो ब्लू पे भी करंट की वैल्यू को जान सकते हैं। जबकि आप इसके साथ देख सकते हैं एक ट्रिप सर्किट सुपरवाइजरी रिले है जो कि हमारे सर्किट के ट्रिप होने की रीज़न क्या है उस चीज़ को बताती है। उसके बाद आप नीचे इंडिकेशन लैंप्स देख सकते हैं, आप देख सकते हैं सबसे पहला इंडिकेशन लैंप CB सर्किट ब्रेकर ऑन, CB सर्किट ब्रेकर ऑफ, यानी कि आपका सर्किट ब्रेकर ऑन है या ऑफ है उसका। फिर उसके बाद डिस्कनेक्टिंग स्विच ऑन, डिस्कनेक्टिंग स्विच ऑफ, देन ES अर्थ स्विच ऑन, अर्थ स्विच ऑफ, देन हीटर ऑन और ऑफ। हीटर क्या चीज़ है, हीटर इस चीज़ में इस पैनल में क्यों लगाया जाता है, एंटी कंडेंसेशन हीटर लगाया जाता है जो कि इसमें किसी किस्म की नमी को पैदा नहीं होने देता पैनल्स में। जैसा कि आपको मालूम है हाई टेंशन पैनल्स हैं, इसमें बहुत ही हाई वोल्टेज हैं, इस वजह से इस हीटर को यूज़ किया जाता है जो कि इसमें सेंसर लगा होता है जो ऑटोमेटिकली टेम्परेचर को सेंस करके ऑटोमेटिकली हीटिंग कूलिंग मोड में जाता है। और आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन ऑपरेटेड इसमें ऑप्शन है, क्योंकि प्रोटेक्शन आपकी एक्टिव होगी है उसकी इंडिकेशन ऑन हो जाएगी। MCBB मिनीचर सर्किट ब्रेकर ट्रिप इंडिकेशन, अगर आपका कोई इंडिकेशन लैंप और किसी चीज़ में कोई फेलियर आके आपका कंट्रोल ब्रेकर मिनीचर सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाता है तो उसकी इंडिकेशन आएगी। टेस्ट लैंप, आपके पास लैंप टेस्ट है, आप इसको प्रेस करके सारे लैंप्स चेक कर सकते हैं आया कि हमारे लैंप जो हैं वो सब ठीक हैं या ख़राब हैं। कभी कभी लैंप ख़राब होने की सूरत में भी हमारे साथ मिसकम्युनिकेशन हो जाएगी कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारा ब्रेकर ऑन है या ऑफ है। और जबकि आप राइट मोस्ट लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं आवर करंट और अर्थ फेलियर रिले है, और जबकि इसके साथ आप देख सकते हैं आवर करंट एंड अर्थ फेलियर रिले, ये हमारी
रिलेज हैं, प्रोटेक्शन रिलेज हैं, और इसमें आप देख सकते हैं रीडिंग्स भी इस टाइम चल रही हैं कि हमारे कितने अम्पेयर चल रहे हैं हमारे सिस्टम में, हमारा ट्रांसफार्मर कितने अम्पेयर ले रहा है। सो ऑलमोस्ट 16.97 अम्पेयर है ईच फेज का शो कर रहा है, और इसमें जितने भी हमारे ट्रिप अलार्म्स आते हैं वो सब की उसका सबका डाटा सेव होता है इसमें। और उसके साथ आप देख सकते हैं एक सिलेक्टर स्विच है, उस पर लिखा हुआ है रिमोट और लोकल। रिमोट और लोकल का क्या मकसद है, अगर आप इसको रिमोटली कंट्रोल करना चाहते हैं यानी कि BMS के थ्रू इसके सिस्टम को ऑपरेट करना चाहते हैं, यानी कि ब्रेकर को ऑन ऑफ करना चाहते हैं और अर्थ स्विच को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, डिस्कनेक्टिंग स्विच को ऑन ऑफ करना चाहते हैं, तो आप इसको रिमोट पे सेलेक्ट कर देंगे तो आप BMS के थ्रू पूरे सिस्टम को ऑपरेट कर सकते हैं। अगर लोकल पे रखेंगे तो आपको सब कुछ मैन्युअली ऑपरेट करना पड़ेगा। जबकि आप दूसरी तरफ देख सकते हैं एक और सिलेक्टर स्विच है जिस पर लिखा हुआ न्यूट्रल ट्रिप एंड क्लोज। इस सिलेक्टर स्विच का क्या मकसद है, अगर आप इसको क्लोज पे सिलेक्ट करेंगे तो ये इसकी क्लोज कॉइल को एनर्जाइज करके आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगा। जबकि आप ट्रिप पे सिलेक्ट करेंगे तो इसकी जो ट्रिप कॉइल है उसको एनर्जाइज करेगा, और आपकी ट्रिप कॉइल एनर्जाइज होएगी और आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। यह इसका फीचर है, आप देख सकते हैं इस पर लिखा हुआ है STD सब मेन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की तरफ से ये ट्रांसफार्मर का फीडर है। और आप जैसा कि नीचे देख सकते हैं ये आप शेनडियर का एक वोल्टेज डिटेक्टर है, आपके सिस्टम में वोल्टेज होंगे तो ये आपको इस तरह की एक साइन दिखाएगा। जब आप देख सकते हैं इस पे L1 L2 लिखा हुआ है, अगर आपका सिस्टम ऑफ होगा तो इसमें किसी किस्म की इंडिकेशन नहीं होगी, ये ब्लैंक होगी ये स्क्रीन। और जबकि आप राइट साइड पे ये देख सकते हैं है जैसा कि हाई वोल्टेज है तो इसमें ये सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस है जो कि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिकली इंसुलेटेड होती है, आइसोलेशन प्रोवाइड करती है। ये उस गैस के लेवल का गेज है, उस गैस का कितना लेवल है सिस्टम में आया कि उसको हमें फिल अप करने की ज़रूरत है या क्या है। देख सकते हैं आप इसमें एक लीवर है जो कि इस टाइम अभी ग्रीन पर है, ग्रीन पर इसका मतलब हमारा सिस्टम ठीक है, और अगर ये येलो पे आ जाएगा तो हमें रीफिल करना होगा, अगर रेड पे आ जाएगा तो हम इमिडिएटली हमें इसमें गैस रीफिल करनी होगी, नहीं तो हमारा सिस्टम ओवरलैप कर जाएगा। जैसा कि व्यूअर्स आप देख सकते हैं ये हमारा इसके ऊपर डायग्राम भी बनी हुई है, आपका ये लेफ्ट साइड पे रेड कलर का जो स्विच है इसको आप प्रेस करेंगे तो आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा, जबकि ग्रीन को प्रेस करेंगे तो ऑन हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं एक Q1 है, दूसरी तरफ Q0 है, और तीसरा आपके पास Q8 है। आप देख सकते हैं Q1 जो है ये हमारा आइसोलेटर है, आइसोलेटर बार भी आप इसको बोल सकते हैं, डिस्कनेक्टिंग बार भी बोल सकते हैं। जबकि नीचे आप देख सकते हैं Q0 ये हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है जो कि इस टाइम ऑन कंडीशन में, आप ब्लैक लाइन देख सकते हैं, ब्लैक लाइन इस वाइट लाइन के बिल्कुल बराबर में आ रही है, इसका मतलब हमारा वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑन है। जबकि ऊपर Q1 भी देख सकते हैं वो भी ऑन कंडीशन में है, और आप देख सकते हैं Q0 की राइट साइड पे ये इंडिकेटर आपका शो कर रहा है कि आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर एनर्जाइज है और डिस एनर्जाइज है। तो आप देख सकते हैं नीचे वाली इंडिकेशन पर है तो इसका मतलब आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है एनर्जाइज कंडीशन में है। और आप अर्थ के लिए देख सकते हैं ब्लैक लाइन जो है हॉरिजेंटल है, इसका मतलब हमारा अर्थ स्विच जो है वो ऑफ कंडीशन में है। इसकी हम कंडीशन चेंज करने के लिए आप देख सकते हैं इनके साथ एक पॉइंट दिया गया है जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की कीज़ को इंसर्ट करके इसको एंटी क्लॉक क्लॉकवाइज रोटेट करके हम इनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। इधर आपको एक चीज़ और बताता जाऊँ, जब कभी भी हम किसी इस हाई टेंशन लाइन को ऑपरेट करते हैं, ऑन ऑफ करते हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है और कैसे करते हैं
सबसे पहले आप इसका ब्रेकर ऑफ करते हैं, फिर आप इसकी डिस्कनेक्टिंग स्विच और आइसोलेटर, जो आइसोलेटर बार होती है, आइसोलेटर को ऑन करते हैं। फिर उसके बाद आप लाइन को अर्थ करते हैं। अर्थ करने की क्या वजह होती है, काफ़ी लंबी लाइंस होने की वजह से लाइन में चार्ज स्टोर हो जाता है, कैपेसिटेंस की वजह से चार्ज स्टोर हो जाता है, जो कि इंसानी जान के लिए ख़तरे का बायस होती है। अगर इंसान उस कंडक्टर को टच कर दे तो जान जाने का भी अंदेशा होता है, इसलिए हम लाइन को अर्थ करते हैं। अर्थ करने के बाद पूरी लाइन डिस्चार्ज हो जाती है, ग्राउंडेड हो जाती है, फिर उसके बाद हम उस पर काम कर सकते हैं। अभी आपको मैं वन बाय वन दूसरे पैनल्स की तरफ लेके जाता हूँ, ऑलमोस्ट सेम है, लिटिल बिट डिफरेंट है, आपको लेके जाता हूँ उनकी तरफ। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा सेकंड जो कंपार्टमेंट है ट्रांसफार्मर फीडर वन है, और इसमें आप देख सकते हैं एक एडिशनल चीज़ लगी हुई है, जैसा कि आप टॉप पे देख सकते हैं, आप देख सकते हैं इसमें SBEF रिले लगी हुई है, स्टैंड बाय अर्थ फॉल्ट प्रोटेक्शन रिले है ये रिले इसमें एडिशनली लगी हुई है। अगर आपका LV रूम में जो प्रोटेक्शन लगी हुई है अगर वो किसी वजह से काम नहीं करती तो ये प्रोटेक्शन जो है सेंस करेगी उस फॉल्ट को और आपके ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगी MV साइड से। इस रूम से आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर जो है वो ऑफ हो जाएगा और आपके जो ट्रांसफार्मर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए ये सिस्टम लगाया गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर बहुत एक्सपेंसिव होते हैं और उनके लिए डबल प्रोटेक्शन दी हुई है। LV में भी है, अगर LV फेलियर हो जाएगी तो HV एक्टिवेटेड हो जाएगी और आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ऑफ हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल एज इट इज़ सेम है, इसमें भी एम्पेयर मीटर है, एम्पेयर मीटर सेलेक्टर स्विच है और CB ऑन ऑफ, DC डिस्कनेक्टिंग स्विच और आइसोलेशन स्विच जो है ऑन ऑफ है, अर्थ स्विच ऑन ऑफ, हीटर है, प्रोटेक्शन ऑपरेटेड इंडिकेशन लैंप है, MCB ट्रिप्ड है, लैंप टेस्ट है, हीटर है और सेम रिमोट कंट्रोल ही, आप कंट्रोल के थ्रू आप इसको यूज़ करना चाहते हैं और लोकली, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ट्रांसफार्मर वाला सेक्शन जो है इसको रिमोटली उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है और ये अपने BMS सिस्टम से इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। और जबकि आपको मैं बता ही चुका हूँ दूसरे सेलेक्टर स्विच न्यूट्रल ट्रिप और क्लोज के बारे में, क्लोज पे क्लिक करेंगे, क्लोज को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी क्लोजिंग कॉइल जो है एनर्जाइज हो जाएगी और आपके वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को ऑन कर देगी। अगर आप ट्रिप पे करेंगे तो ट्रिप कॉइल एनर्जाइज हो जाएगी और आपका वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा। ये एमरजेंसी की सिचुएशन में ये सेलेक्टर स्विच यूज़ किया जाता है, क्योंकि बहुत हाई टेंशन लाइन है, बाय मिस्टेकली को टच कर देता है, एट सेम टाइम हम इस फैसिलिटी से फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने इस पूरे फीडर को ट्रिप कर सकते हैं। बाकी आपको दूसरे पैनल के बारे में बता चुका हूँ, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले है और नीचे आपको वोल्टेज डिटेक्टर मीटर के बारे में बता चुका हूँ, सेम एज इट इज़ इसमें भी नीचे वैसे ही है जैसे मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें आइसोलेशन बार है और डिस्कनेक्टिंग स्विच है टॉप वाला, Q1 और Q0 जो आपका मेन ब्रेकर है, वैक्यूम ब्रेकर, उसकी इंडिकेशन है, और Q8 जो है वो आपकी अर्थ स्विच की इंडिकेशन है। आपको मज़ीद लेके जाता हूँ दूसरे पैनल की तरफ जो चेंज है इससे। जैसा कि व्यूवर्स आप देख सकते हैं ये तीनों ट्रांसफार्मर फीडर हैं, 1 और 2 और 3 तीनों एज इट इज़ सेम है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। आपको इससे अगले बस कपलर पे लेके जाता हूँ, बस कपलर में लिटिल बिट चेंज है। जी व्यूवर्स, आप देख सकते हैं बस कपलर सेक्शन है, इसमें आप देख सकते हैं वोल्ट मीटर भी दिया गया है जो कि आपको वोल्टेज शो कर रहा है 22 kV, और उसके साथ अम्पेयर मीटर भी है, वोल्टेज मीटर सेलेक्टर स्विच भी है, जबकि अम्पेयर मीटर सेलेक्टर स्विच भी है। हम किसी भी फेज़ के दरमियान वोल्टेज और वोल्टेज चेक कर सकते हैं, फेज़ टू फेस, फेज टू न्यूट्रल वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं और किसी भी फेज पे करंट भी चेक कर सकते हैं। जबकि आप नीचे देख सकते हैं इंडिकेशन सब सेम है, वही CB, DS, ES हीटर्स वगैरह, और इसमें आप देख सकते हैं तीन इंडिकेशन लैंप भी दिए हैं, रेड, येलो, ब्लू के लिए। आपके बस कपलर में इंडिकेशन आ रही है कि हमारे तीनों फेज आ रहे हैं, वो हम सेलेक्टर स्विच से भी चेक कर सकते हैं। और बाकी फीचर आप देख सकते हैं बिल्कुल सेम है, ओवर करंट और अर्थ फॉल्ट रिले है,
और लोकल और रिमोट कंट्रोल सिलेक्टर स्विच और ट्रिप और क्लोज सिलेक्टर स्विच है। और बस बार में आप देख सकते हैं नीचे भी सेम एज इट इज़ वैसे ही है पैनल को। इसमें आपके पास अम्पेयर मीटर दिया गया है, जबकि नीचे सिलेक्टर स्विच दिया गया है। आप तीनों फेज पर अम्पेयर चेक कर सकते हैं, और उसके बाद ट्रिप सर्किट सुपरवाइजरी रिले है, और आप कंडीशन देख सकते हैं। इस कंडीशन सेम है क्योंकि ये हमारा ऑन कंडीशन में इसी भी हमारा ऑन है, डिस्कनेक्टिंग स्विच भी ऑन है, और अर्थ स्विच जो है हमारा ऑफ कंडीशन में है, और ये भी लोकली है। और आप देख सकते हैं इस पे भी इंडिकेशन आ रही है, और गैस चेक करने के लिए हमारे पास मॉनिटरिंग गेज है, और आप देख सकते हैं इसमें सब कुछ ऑन है। इस वैक्यूम सर्किट ब्रेकर को कैसे ऑन किया जाता है, लिवर्स आपको दिखा देता हूँ मैं। ये डिफरेंट टाइप्स की कीज हैं जो कि आपके अर्थ स्विच को ऑपरेट करने के लिए, और एसीबी को क्लोज ओपन करने के लिए, और डिस्कनेक्टिंग स्विच को ऑपरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं। डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कीज हैं। और जब भी हम इस चीज़ों को ऑन या ऑफ करते हैं, या स्विच हर किसी के लिए अलग अलग की इसलिए दी गई है क्योंकि प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है कि हम एट अ टाइम दो चीज़ों को ऑपरेट ना करें और किसी गलत चीज़ को ऑपरेट ना करें। जी गाइस, आज का टॉपिक आपको होपफुली पसंद आया होगा। बहुत सी इन्फॉर्मेशन मैंने पास की है, और अगर आपको कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ क्वेश्चन है आपका, तो आप कमेंट्स कीजिएगा, आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा आंसर करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड क्लिक ऑन बेल आइकन सो यू विल नॉट मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, गुड डे।